हेलो गुड मॉर्निंग पीपल, आज है 12 फरवरी और आज हम BMW X7 की डिलीवरी लेने वाले हैं। मेरी गाड़ी नहीं है, सबको पता है रजनी चौधरी की गाड़ी है और दिल्ली में डिलीवरी है, तो मैं भी जा रहा हूँ भाई डिलीवरी का पार्ट बनने के लिए। एक्चुअली उनका कॉल आया था कि आप इनवाइटेड हैं, आप आइए यहाँ पर और हमारे साथ डिलीवरी लीजिए। लेकिन एक दिक्कत हो गई कि हम लोग ने जो प्लान बनाया था, पहले दिल्ली का प्लान बनाया था, बट इट्स मी बिश्नोई जो यूट्यूबर है उनके साथ हमारा कॉन्टैक्ट हो गया। हमने सोचा कि एक बार उनसे मिलके जाते हैं, उनकी गाड़ी का रिव्यू शूट करके जाते हैं। तो हमने सोचा कि सोनीपत उतरेंगे, सोनीपत का प्लान था। सोनीपत में उतर गया हूँ यहाँ पर, जिसको पता होगा सोनीपत का ये रेलवे स्टेशन से सामने खड़ा हूँ। सोनीपत में उतरने के बाद मुझे मालूम चला कि उनका कोई केस हो गया, इसलिए उनको जाना पड़ा। तो अभी हम निकल रहे हैं सीधा दिल्ली, लेकिन दिल्ली जाने से पहले मैं प्रतीक से मिल के जाऊँगा, क्योंकि प्रतीक और मैं दोनों एक साथ जाने वाले हैं यहाँ से सोनीपत से। तो उसका वेट कर रहा हूँ यहाँ पर। किम्बल नहीं यार, मैंने ट्राई किया था, बहुत मुश्किल है मेरे को चलाना अभी। तो हम लोग अभी यहाँ पर मूर्थल ढाबे के पास आए थे, पीछे ढाबा है, लेकिन हमने सोचा कि बार यहाँ ट्राई मारते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लेन्स खड़े हैं और प्लेन्स के अंदर जाके हम खाना खा सकते हैं। मेरे को पता नहीं है कि खाना कैसा है क्या है, बट अभी प्रतीक हमारे पास आ चुका है और प्रतीक की गाड़ी थोड़ी स्पेशल है, क्योंकि इसका जो रनिंग कॉस्ट है वो 2 रुपये के आसपास है। उसकी जो डिक्की है वो भी फ्री है, इसमें CNG नहीं लगाया हमने, लेकिन रनिंग कॉस्ट जो है वो काफ़ी कम है। तो फ्लाइट के अंदर जाने वाले हम लोग, जैसे नॉर्मल फ्लाइट के अंदर होता है वैसे टाइप का बना है। तो प्रतीक कैसा एक्सपीरियंस है आपका यहाँ पर अभी? एकदम फेक। सड़क पे खड़े हमको दो प्लेन दिख गए, हम इसमें घुसना चाहते थे, वो घुसने की जगह मिल गई। अब हमको पता नहीं खाना कैसा होता है, जनरली क्या होता है इंडिया में जहाँ पर ऐसे फैंसी रेस्टोरेंट होते हैं ना, खाना अच्छा नहीं होता। मेन्यू वगैरह कुछ नहीं है, मेन्यू में नॉर्मल है, मेन्यू भी नॉर्मल है, प्राइसिंग भी सही है। और इनका शायद ऐसे है कि ब्रेकफास्ट इस वाले प्लेन पे है और लंच वाला उस प्लेन पे है, ऐसे कुछ है। खाते रहेंगे और हकते रहेंगे। वॉशरूम के लिए नीचे जाना पड़ेगा, देख ले। वॉशरूम के लिए नीचे जाना पड़ेगा, इस प्लेन में वॉशरूम नहीं है, कृपया करके नीचे से अगर आ गए। सब हम लोग सोच रहे हैं कि अभी काफी बिहाइंड द सीन शूट करेंगे, बहुत कॉमेडी चलती रहती है कभी कभी, तो वो हम डालने की सोच रहे हैं। अभी हमें खा के फटाफट निकलेंगे भाई गुड़गांव के। तो ये देखो ना, हमने फर्स्ट कैमरा ब्रो, पहला कैमरा तोड़ दिया हमने का। अरे ये देखो हम जैसे अभी हमको पता पूरी फेक वाली फीलिंग आ रही है। तो एक ऊपर करो इसको, हमको ना पूरी फेक वाली फीलिंग आ रही है, तो हम आपके सामने एक और फेक करना चाहते हैं। देखो iPhone 30 टूट गया, ब्रोकन, बच गया ब्रोकन iPhone 30। हाँ अच्छे से, यहाँ ये रह गया थोड़ा सा इधर से। यहाँ से ये चिपक, अच्छे से रगड़ के साफ करो यार। ढोल देखिए ना, ढोल 25,000 रुपए में मर्सिडीज। अरे इधर से करो तुम, कहाँ से कलर ही ऐसा है। तो वही बात ऐसी है, ये जो रेस्टोरेंट आपने देखा हमारे सामने, ये सिर्फ नाम का रेस्टोरेंट है, काम का कुछ नहीं है यहाँ पर। जो पराठे थे वो तो यार एकदम सूखे पराठे। तो जितना भी आप देख रहे हैं शोशा, ये ब्रेकफास्ट के लिए वो वाला प्लेन होता जो खड़ा था, और लंच के लिए ये वाला प्लेन है। सर्विस अच्छी नहीं है इसलिए यहाँ पर भी। सर्विस मतलब खाना एवरेज है और सर्विस में भाई ऑर्डर कुछ कर, ऑर्डर बहुत ही बकवास खाना है, खाने मत करते हैं। फैंसी चीज देख के ना, जो हमने स्टार्टिंग में अज्यूम किया था ना कि भाई फैंसी चीज है तो अच्छा खाना होगा कि नहीं होगा, वही निकला। चलो अभी मूर्थल वाले फेमस ढाबे में चलते हैं, वो पास में ही है। हम तो ऐसी यहाँ पर टहलते फहलते आ गए थे, 200 रुपए का बिल फटवा के आ गए। तो हम लोग आ गए अभी अमरीक सुखदेव वाले ढाबे पे, इतना बड़ा ढाबा है, इतना बड़ा, गलती कर दी यार, डायरेक्टली यही आना चाहिए। मेरी भूख ना आधी से ज्यादा खत्म हो चुकी है, मेरी भूख जो है आधी से ज्यादा खत्म हो चुकी है। तो देखो भाई ये है रौनक के अमरीक सुखदेव ढाबा की, कितनी सारी एक्टिविटी है यहाँ पर। ये आयरिश आइसक्रीम वाला है और यहाँ पता नहीं क्या है, और बाहर भी पता नहीं क्या है, बहुत बड़ा है। इतनी बार मैं यहाँ से गुजरा लेकिन कभी एंटर नहीं किया, आज बस प्रतीक की वजह से हमें यहाँ पर आने का मौका मिला। प्लेन देखे थे भी
ठीक है ना, प्लेन देख लिया ना कि अंदर से कैसा होता है, मौका मिल गया। नहीं मिला यार, दही फ्री मिलना चाहिए। यहाँ देखो अचार भी फ्री है, प्याज भी फ्री है, पानी भी फ्री है। कुछ भी पानी फ्री है क्या, सील वाला है क्या? पानी फ्री नहीं, नहीं पानी फ्री नहीं है। तो यहाँ पर भी मक्खन ही, वहाँ से देखते हैं 4 बजे के आसपास स्टार्ट होगा, 2 घंटे लग जाएंगे, 2-2.5 घंटे आराम से लग जाएंगे। रुक जाएंगे, घुमा ले घुमा ले। देखो ये रोड ऐसा है, ऐसे फील हो रहा है कि सब खत्म है। वो बिल्डिंग भी अंडर कंस्ट्रक्शन वाली, जॉम्बी वाली बिल्डिंग नहीं होती वैसी टाइप की बिल्डिंग है। बस एक आदमी दिखा, वो जॉम्बी तो नहीं है? सही निकले पड़े, बीच में निकल, 50-50 चला रहा। हाँ। कितने का टोल बच गया? 150 रुपए का। सही टोल बचा है। वही रोड भी है, कैसे कैसे रोड बनाए हुए हैं कोपचे में। फाटक है। तो देखो जी हम लोग आ गए हैं बर्ड ऑटोमोटिव सेक्टर 14 गुड़गांव में, और यहाँ पर अभी देखते हैं काफ़ी लोग अंदर खड़े हैं पहले से। और वो खड़ी है गाड़ी शायद से, वही होगी वाइट कलर में है ना। चलो आके देखते हैं। तो ये देख लीजिए, ये है BMW X7 का टायर, जो कि मैसिव 21 इंचेस का टायर है, कॉन्टिनेंटल सीरीज का। और इसका जो ब्रेक कैलिपर है आप देख सकते हैं ब्लू कलर का है। पूरी गाड़ी आपको जब रिवील होगी, मतलब जब डिलीवरी होगी तभी दिखाएंगे। और यहाँ पर इसका BMW का लोगो है। कौन सी ये वाली? दोनों 50 के अंदर है ऑन रोड, पर दोनों का इंटीरियर ऑलमोस्ट सेम जैसा है। तो ये है देखो X6 सीरीज, पूरा अंदर से ब्लैक इंटीरियर और लेग स्पेस। तो भाई दबा के लंबी कितनी है? GT है ना, इसका पूरा खुलता है, पूरा ऊपर से एक ग्लास तक ना। और यहाँ पर देखो रजनी चौधरी आ गई अपनी महिंद्रा थार के अंदर। तो ये है BMW X7, बहुत ज्यादा लोग हैं इसलिए हम लोग अंदर जा नहीं रहे। और डिलीवरी हो चुकी है, अनवीलिंग हो चुकी है गाड़ी। अब गाड़ी में बैठ के रजनी चौधरी गाड़ी को ले जाएंगे, दैट्स द डिलीवरी पॉइंट। और इंटरेक्शन काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि हमने आपस में बातचीत काफ़ी किया था, हमने देखा होगा वीडियो में। और जो डिलीवरी वाली थी, ये काफ़ी अच्छा लगा कि भाई सब लोगों को इन्वाइट किया गया, कि ओपन इन्विटेशन है कि जो भी आना चाहे वो इन्विटेशन है कि भाई जिसको भी आना है वो आ सकता है। बाकी इस गाड़ी का वीडियो हम कोशिश करेंगे, रजनी मैम से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें रिव्यू बनाने के लिए दिया जाए अगर पॉसिबल होता है तो, क्योंकि इतना ज़्यादा लोगों में मेरे को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है कि मैं वीडियो बनाऊं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अगर पॉसिबल हो तो वीडियो शूट करेंगे, नहीं तो फिर चलते हैं घर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।